अब हम जो है बेसिकली आ चुके हैं पोर्टल में। यहाँ आपको पता है स्टूडेंट जो मॉडल सेक्शन रहता है उसमें आपको स्टूडेंट सेक्शन जो सर्विस है इसमें से जो है इनरोलमेंट सर्विस में एग्जामिनेशन इनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बच्चे हैं इन्होंने ऑलरेडी जो है जून 2021 के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑप्ट आउट किया है, वो अपना जो मॉडल है उसको ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो हियर इज अ ऑप्शन टू अप्लाई फॉर इनरोलमेंट सर्विस, यहाँ पे आपको काम करेगा। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, सेम करना है आपको, जो डिटेल्स हैं आपकी चेंज होगी होगी। यहाँ पे जहाँ पे जून शो हो रहा है वहां पे दिसंबर शो हो गया होगा, नहीं हुआ है इनकेस। ठीक है, तो आपको अपना जो कंप्लेन है वो रेज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो जो मैंने अभी एरर बताया था वो एरर आपको भी आएगा। आप अपना जो है कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ऐड कैसे करेंगे। आपने इस पे क्लिक किया, वैसे मैं ऐड के लिए रिप्लेसमेंट के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ऑप्ट आउट हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल फ्रेश एग्जाम है, कोई भी जो है चेंजेस करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो एक बार जो है आप अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्ट आउट बच्चे या फिर एडिशन कैसे करेंगे, इंटरचेंज कैसे करेंगे, चेंज ऑफ जो एंट्रेंस सेंटर चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, सभी जो है इसी में होता है। तो मैंने किस कौन सा बताया था आपको, बताया था मैंने ये सिलेक्ट करके। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है दैट वुड बी एप्लीकेबल अप्लाई फॉर एनरोलमेंट सर्विस, इस पर करेंगे तो ये नया जो टैब है ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे ऊपर पे एडिशनल ऑफ मॉड्यूल, डिलीटेशन ऑफ मॉड्यूल, एंटर चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे ये बच्चे का है, इन्होंने जो है सेकंड मॉड्यूल सेलेक्ट किया है, सेकंड मॉड्यूल के लिए पे किया है। अगर इनको लगता है कि अगर इन्होंने ऑप्ट आउट किया हो, ठीक है, सो ऑप्ट आउट के केस में जो है अगर ये चाहते हैं कि सेकंड की प्रिपरेशन नहीं हुई है, थर्ड की प्रिपरेशन हुई है, तो यहाँ पे जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज में ऑप्शन शो हो जाएगा कि सेकंड थर्ड के थ्रो कर रहे हैं या फिर फर्स्ट के थ्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर दो जो आपका सेकंड मॉड्यूल है, इन्होंने सेकंड मॉड्यूल के लिए सेलेक्ट किया है, तो सेकंड मॉड्यूल नहीं देना चाहते तो क्या आप फर्स्ट देना चाहते हैं या फिर थर्ड देना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, सेंटर चेंज आपको पता है, कहीं भी प्रॉब्लम है सेंटर चेंज में तो सेंटर चेंज कर सकते हैं। मीडियम हिंदी और इंग्लिश के थ्रू जो है आप जो मीडियम है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट आपको ऐड करना है, ऐड पे आपको क्लिक करेंगे, ये आपको जो है स्क्रॉल हो जाएगा और आपके बाद यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं। तो सपोज दैट जो है ऑलरेडी दो का है, दूसरा मॉड्यूल इन्होंने ऐड किया हुआ है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है, फर्स्ट को ऐड करना है, तो इसको इनको केवल टिक करना पड़ेगा फर्स्ट वाला। और क्योंकि जो दूसरा मॉडल है उसके लिए तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो पेमेंट अभी करेंगे केवल एक मॉडल के। ठीक है, दूसरा भी मतलब तीनों ही करना है, तो दोनों को सेलेक्ट करके दोनों का पेमेंट करेंगे और पेमेंट प्रोसेस सेम ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आगे जो है जैसे आप ऐड करेंगे तो यही डिटेल्स होगा, ट्रेनिंग डिटेल्स, फिर आएगा जो है आपका जो ओवरव्यू रहता है, कन्फर्मेशन अप्लीकेशन, उसके बाद पेमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली है। इसके अलावा जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम आती, कहीं पे भी समझ में नहीं आया है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जो है टाइमिंग लिख करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, सर यहाँ पे समझ नहीं आया। ठीक है, आई एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन।